कांग्रेस के भ्रष्ट राज्यसभा सांसद धीरज साहू और शराब निर्माता बलदेव साहू दोनों इस कंपनी के साझेदार हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इसलिए सोमवार 11 दिसंबर को हिंगन घाट में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के भ्रष्ट रवैये को भाजपा कार्यालय से जनता के सामने उजागर किया गया। विधायक समीर कुनावार के आवास से विठोबा चौक तक मार्च निकालकर भव्य कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ नारे लगाए गए और कांग्रेस की भ्रष्ट प्रवृत्ति के विरोध में उनकी प्रतिमा को जूतों की माला पहनाई गई। इस विरोध आंदोलन का नेतृत्व हिंगन घाट भाजपा महिला मोर्चा और महासचिव अनिता मावली, वर्धा जिला उपाध्यक्ष छाया सातपुते, विधानसभा अध्यक्ष नलिनी सयाम, शहर अध्यक्ष रवीला आखाड़े, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के सभी मोर्चों, गठबंधनों, प्रकोष्ठों एवं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। अंकुश ठाकुर, भूषण पिसे, आकाश पोहाने, विनोद विटाड़े, वामन चंदन केड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने समर्थन देकर आंदोलन में योगदान दिया। इनबीसी न्यूज के लिए हिंगन घाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।